तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। अब हम हांसी विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। विनोद भ्याना जी का यहाँ प्रोग्राम है जैन यूनिवर्स पे, और यहाँ पे बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता भी बैठे हैं। पूछते हैं उनसे कैसा चल रहा है। मैम पहले अपना नाम बताइए और कैसा चल रहा है माहौल हांसी विधानसभा क्षेत्र में। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री का दायित्व है मेरे पास में। बहुत अच्छा माहौल है और हांसी के अंदर खासतौर से शहर के अंदर मेरी जनसभाओं की जिम्मेवारी लगी है और हर जनसभा के अंदर लोगों का स्नेह और प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कितने से उम्मीद कर रहे हो, कितने से आप विजयी श्री हो गए? 50,000 के लगभग हम ये मान करके चलते हैं। ये मेरा ही नहीं बल्कि जनता की आवाज़ है कि हम लगभग 50,000 वोटों से लीड करेंगे यहाँ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम 40,000 प्लस से जीतेंगे। अभी आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है। कुछ समय पहले वो पार्टी आई और चंद लोग ही हैं अभी उसके साथ, और ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये आपके सामने ही है अभी शहर है। सर कैसे देख रहे हो आप हांसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का माहौल? बहुत ही अच्छा माहौल है। हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, हमारे मुकाबले में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जितने भी पार्टी हैं उनके पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं, उन लोगों को कहीं ना कहीं से इधर उधर मांग के कैंडिडेट उतारना पड़ा। आज आप कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करोगे तो कोई हंसी हल्के कोई व्यक्ति उसको जानता ही नहीं। आज हमने दूसरी पार्टियों से भी बात करी, प्रेम सिंह मलिक जी के पास गए, मनोज राठी के कार्यालय पर भी गए और हम एक और कार्यालय पर भी गए। उन्होंने सब ने कहा कि हम बीजेपी वाले को हरा देंगे और जीत निश्चित करेंगे। कैसे देखते हो आप? देखो दावा तो कोई लोकतंत्र है कोई भी कर सकता है। एक व्यक्ति जिसको एक वोट नहीं मिलता वो भी दावा कर सकता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। दावों में कुछ रखा नहीं है, वो दावे तो जनता बताएगी ना। जनता का माहौल देखो, मुख्यमंत्री जी की रैली थी, कितनी अभूतपूर्व भीड़ थी, कितने अच्छे ढंग से मुख्यमंत्री का सब लोगों ने स्वागत किया, उनकी बातों को सुना। और हर जगह हर गली मोहल्ले में आप जाके बात करके देख सकते हो कि हर व्यक्ति बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। और निश्चित रूप से विनोद भ्याना जी सब पार्टियों की जमान जब्त कराते हुए मैं समझता हूँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुए। ठीक है, आपका नाम और सर आपका पद? धर्मवीर अतेरिया, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हांसी। ठीक है सर। सर आप नाम बताइए सर, और अब बताइए कि हांसी में क्या माहौल चल रहा है। मेरा नाम अशोक कनौजिया है, मैं हरियाणा सरकार में डायरेक्टर हूँ बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कल्याण निगम, और प्रदेश का प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे का। सर हांसी विधानसभा क्षेत्र में कैसे आप लहर देख रहे हैं? हांसी शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो जीतने के लिए नहीं अपितु एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए, एक ऐतिहासिक जीत कायम करने के लिए चुनाव लड़ रही है। और आप देखना जिस तरह हरियाणा के अंदर मनोहर जी कहते हैं कि 75 पार, हांसी विधानसभा के अंदर भाई विनोद भ्याना जी 75,000 पार मतों से विजयी होंगे, और ये विजयी इसलिए होंगे क्योंकि सारी की सारी पार्टी एकजुट है। मनोहर जी का काम करने का तरीका, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस आधार पर, और मोदी जी का कुशल नेतृत्व इस बात को दर्शाता है कि हरियाणा के अंदर अब की बार 75 से ज़्यादा विधायक बनकर आएंगे और एक बहुत ही मजबूत सुदृढ़ और हर व्यक्ति की आशाओं पर खरी उतरने वाली सरकार बनने जा रही है। विपक्ष ने आज एक मुद्दा भी उठाया था, आप हमारे चैनल पे देखेंगे, उन्होंने ये कहा था कि नौकरियां तो लगाते हैं बट 200-200 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पहली सरकार है जहां पर ऑनलाइन भर्ती हुई है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई है, और जो 70,000 से ज़्यादा जो भर्तियां हुई हैं वो इस बात का सूचक है। ना कोई खर्ची लगी, ना कोई पर्ची लगी, केवल ईमानदारी लगी। जो आदमी मेरिट पर आया उसको नौकरी मिली है, इसके अलावा नहीं। 5,00,000 के लगभग गैर सरकारी महकमों के अंदर भी इस सरकार ने नौकरियां दी हैं, जो इस बात का परिचायक है कि मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। लगता नहीं सर गांव में इतने व्यक्ति हैं जिनको ऑनलाइन के बारे में नहीं पता, आप उनके पास कैसे पहुंचोगे? ऐसी बात नहीं है, आज का जो युवा है वो सारी बातों को समझता है, और जितनी भी जो प्रतिभाएँ होती हैं आप रिकॉर्ड देख लीजिए आज़ादी से लेकर अब तक का, प्रतिभाएँ गाँव में ज़्यादा विकसित हुई हैं बजाय शहर की। आप आज देखते हैं कि IPS और IAS बिहार से क्यों आते हैं, आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि वहाँ के लोग अनपढ़ हैं या उनको बुद्धि कम है। नहीं, योग्यताएँ हर जगह पर हैं, और हरियाणा का जो गांव है वो इस बात से अछूता नहीं है। वो लैपटॉप चलाना जानता है, कंप्यूटर चलाना जानता है, और इसके अलावा जो मोबाइल वगैरह है वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। नहीं, हम इसके अलावा अटल सेवा केंद्र हैं, CSC सेंटर हमने हर गांव में खोले हुए हैं, तो कोई भी ऑनलाइन सेवाओं का 497 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन हैं ई दिशा के अंदर, उस पर जाके आप लोग सेवाएं ले सकते हैं, उसमें कोई विषय नहीं है। सिर्फ 10 रुपये के अंदर आप कोई भी
काम अगर करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, चाहे अपने बिजली का बिल भरना है, चाहे अपने नौकरी के लिए अप्लाई करना है, और चाहे अपने लोन के लिए अप्लाई करना है, चाहे अपने बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करना है, सिर्फ 10 रुपये के अंदर अटल सेवा केंद्र पर जाइए और अपनी सुविधा अनुसार उसको पूरा लीजिए। शिक्षित वर्ग तो इस क्षेत्र से जुड़ा ही है सोशल मीडिया के साथ साथ। अगर मैं अशिक्षित लोगों की बात करूं और बुज़ुर्गों की भी बात करूं, तो जब पेंशन ऑनलाइन हुई थी तो हमारे बुज़ुर्ग जिनको ऑनलाइन के बारे में पता भी नहीं था, वो भी वहां अटल सेवा केंद्र पर जा कर के उन्होंने ऑनलाइन फार्म करवाए थे। यदि वो उन चीज़ों से अवगत ना होते तो वहाँ जाकर उन सेवाओं का लाभ वो नहीं उठा सकते थे। चलिए, ये थे हमारे साथ सीनियर लीडर जो बीजेपी के थे। त्यौहारों का सीजन चल रहा है और 21 अक्टूबर को भी एक त्यौहार होने वाला है, और वोट जरूर दीजिए, चाहे आप जिस भी पार्टी को दीजिए वोट जरूर दीजिए। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।